भूपेंद्र हुड्डा जी से मैं मिलने गया था, उन्होंने कहा कि भी मुलाकात करनी है। हम जब मुलाकात करने गए तो मैंने देखा एक कोई बादली हलके से एक बुजुर्ग आए हुए थे, उन्हें दीपेंद्र जी के निकलना चाह रहे थे, उनका कोई जलसा था। जैसे ही दीपेंद्र जी ने कहा भी मेरे को जल्दी है आप कल आ जाना, तो उन्होंने कहा नहीं जी 20 मिनट देनी पड़ेंगी। बोला जी 20 मिनट में दूंगा तो आके लेट हो जाऊंगा। मैंने देखा लाइव कि उन्होंने उस बुजुर्ग के पांव के हाथ लगा कहा चाचा जी आज मुझे माफी दे दो, आज के लिए ऐसा राजनीति में संभव ही नहीं है। आज आपने देखा है छोटे से पद पे 10-20 हज़ार वोट लेने वाला नेता भी इतना सॉफ्ट नहीं हो सकता, क्योंकि सॉफ्टनेस की मुरीद टीम नरेश हुई है। मैं राजीव बंसल, आप देख रहे हैं हाथी की आवाज। ढाणा खुर्द गांव को विश्व के मानचित्र पर लाने वाले, हांसी को काशी का सपना देने वाले और हांसी में अपने ही संसाधनों से गेट बनाने वाले, ना जाने कितने कैमरेज लगवाने वाले, एक ऐसे समाज सेवी से बात करते हैं, समझ गए होंगे कि मैं किसका नाम ले रहा हूं, कि नरेश यादव जी। आइए उनसे सीधी मुलाकात करते हैं। और वो एक पहले ही डिस्क्लोज कर देता हूं कि वो एक पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। उस पार्टी का नाम नरेश यादव जी के ही मुखारविंद से सुनेंगे, तो कौन सी पार्टी में ज्वाइन करने वाले हैं, आइए उनसे सीधी बात करते हैं। नरेश जी, मैं चला था हांसी को काशी बनाने के लिए एक समाज सेवी के तौर पर, और जब भी आपसे बात होती थी कि राजनीति मेरा ध्येय नहीं है, अब आप कांग्रेस पार्टी पूरे लावा लश्कर के साथ ज्वाइन करने जा रहे हैं, ऐसा क्यों? बंसल जी, सबसे पहले तो हांसी की आवाज़ के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से, टीम नरेश यादव की तरफ से और पूरा हल्का हांसी की वासियों की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएँ बधाई। बंसल जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसा कि आपको भी ज्ञात है कि आज से करीबन एक साल पहले एक टीम का गठन हुआ टीम नरेश के नाम से। उस टीम का गठन होने के बाद एक संकल्प आया इस टीम का कि जैसे ढाणा खुर्द के युवाओं ने ढाणा खुर्द को नंबर वन गांव बनाने का जो सपना लिया था और उसको पूरा किया, बड़े अच्छे तरीके से पूरा किया, उसी के तहत इस टीम ने एक संकल्प लिया कि हांसी को काशी बनाएंगे। हांसी को काशी बनाने का मतलब है हांसी को स्वास्थ्य संस्कार से जोड़ना है। और हमारी हांसी जिसका इतिहास पुराणों में लिखा हुआ है, राजा महाराजाओं की पसंदीदा जगह रही है हांसी। हांसी के कुछ राजनीति का शिकार हुई है लंबे टाइम से हांसी। देश की राजधानी जो होती थी आज वो जिले के टैग के लिए तरस रही है, ये हमारे राजनेताओं की देन है। और हमें जो हमारा हांसी का गौरव है उसको वापस लाने के लिए टीम ने एक संकल्प लिया कि हांसी को काशी बनाएंगे। जैसे राजधानी के नाम से मशहूर थी, अब हांसी काशी के नाम से मशहूर होगी। और मैं बंसल जी आपको कहना चाहता हूँ कि टीम नरेश के गठन के बाद ये साबित हो गया था कि अच्छे अच्छे काम हांसी में शुरू हुए थे और उन कामों का विरोध आम जनता ने नहीं किया। अगर वो काम अच्छे ना होते तो आम जनता विरोध करती, उसका काम राजनीतिक लोगों ने विरोध किया। उस राजनीतिज्ञ का नाम भी मैं जानना चाहूँगा कि जो आपके कामों में रोड़ा अटकाता था। आपने देखा होगा बंसल जी, आज जो हमारे स्थानीय, स्पष्ट बात कर रहा हूँ बिल्कुल, आज जो हमारे स्थानीय विधायक हैं उनको काम करने वाली टीम का स्वागत करना चाहिए, उनको सहयोग करना चाहिए, उनके साथ खड़ा होना चाहिए। कोई काम कर रहे हैं उसको क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। तो आपने देखा होगा हमने एक लड़कियों के स्कूल के आगे एक दीवार बनानी चाहिए छोटी सी और ग्रिल लगानी चाहिए कि वहाँ सेल्फी पॉइंट सरस्वती माता का बन रहा है। उन्होंने बहुत बड़े पाप के भागी बने हैं। वो सरस्वती माता के पॉइंट के पीछे लोग बाथरूम कर रहे हैं, स्कूल में लड़कियां और लड़के जाते हैं बाथरूम कर रहे हैं, सिर्फ उसका छोटा सा एक ग्रिल लगा के उसकी ग्रीनरी को सुधारने का एक टीम का मतलब था वहाँ गेट के सामने, वहाँ कोई एजेंडा नहीं था। तो उसका भी विरोध हुआ, फुहारा चौक बनाया उसका भी विरोध हुआ, निशांत मलिक द्वार बनाया उसका भी विरोध हुआ। तो मैं कहना चाहता हूँ कि इस टीम के काम ने हांसी को ही नहीं पूरे हरियाणा में एक दिशा दी है। जैसे कि टीम नरेश ने महिलाओं को और बुजुर्गों को यात्रा करानी शुरू की, आप देखते होंगे बंसल जी, उसी यात्रा का माध्यम समझ के आज हरियाणा सरकार ने पूरे के पूरे हरियाणा में मुफ्त यात्रा का की शुरुआत की। उसी के तहत आप हंसी भी देख लीजिए, मेरे काम का विरोध हो रहा है लेकिन मेरे काम को
मैं धन्यवाद इसलिए विधायक जी का करना चाहता हूँ, उन्होंने वो मेरा काम फॉलो भी किया है, इसलिए मैं उनको ज़्यादा विरोध भाषा से देखता अच्छा, नहीं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आप हमेशा कहते थे कि मैं राजनीति में आने के लिए फील्ड में नहीं आया हूँ, मैं तो समाज सेवा करने के, एकदम से ये ललक कैसे उठी और वो भी कांग्रेस पार्टी में शामिल होने की? मैं इसी पे आ रहा था आपकी बात को लेके, कि जब हमें ये लगा कि हम अच्छे हासी को काशी बना रहे हैं और यहाँ राजनीति की इन्वॉल्वमेंट है वो कहीं ना कहीं हमें ख़राब कर रही है, तो हमने टीम के सभी मेंबरों से बात की कि इसका जवाब हम किस तरह दें, तो सब ने कहा कि जब हमने टीम वर्क संगठन बना ही लिया है तो इस संगठन को राजनीतिक पावर में भी साथ खड़ा करें, ताकि जो सेवा का भाव है, ताकि जो कामों की स्पीड है, इसको रोकने की बजाय ये 10 गुना बढ़े, इसी को लेके टीम का एक संकल्प था, उस संकल्प को पूरा करने के लिए टीम राजनीति की तरफ मुँह कर रही है। मोदी जी विश्व गुरु की बात करते हैं और आप हाँसी को काशी बनाने की बात करते हैं, और पार्टी ऐसी चूज की है आपने जो कांग्रेस पार्टी है, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में मोदी जी का डंका बज रहा है, तो आपके लिए तो ऑप्शन खुले थे कि आप बीजेपी में भी जा सकते थे, तो आपने कांग्रेस ही क्यों? कांग्रेस की आसान डगर नहीं है आपके लिए, पहले बता रहा हूँ मैं, कांग्रेस में बहुत से ऐसे पुराने प्रत्याशी बैठे हैं, बहुत से लाइन में बैठे हैं, तो क्या आपको लगता है कि आपकी डगर आसान है कांग्रेस में एंटर करने के बाद? मेरा ऐसा एजेंडा नहीं है कि मुझे किसी पार्टी पर अपने आप को थोपना है, मेरा एजेंडा हंसी को काशी बनाने का है। जब सब पार्टियों से, बीजेपी से लेके कांग्रेस से लेके सब पार्टियों से हमारे पास ऑफर आए हैं, बातचीत हुई है, सबसे हुई है, मैंने जिस सबके सामने अपना एक सीधा जो मेरा संकल्प है वो मेरी टीम का वो रखा है, मैंने मेरी टीम का संकल्प है हंसी काशी बने। इसी मुहिम में दीपेंद्र हुड्डा जी से जब हमारी मुलाकात हुई, उन्होंने हमारी फीलिंग को समझा और उन्होंने मुझे बताया कि आपकी जो टीम का जो नारा है उसको मैं सरकार बनते ही पूरा करूँगा, और उस टीम के नारे के साथ साथ आपके जो जो संकल्प है, जो काम आपने किए हैं उसको मैं बिल्कुल लाइक करता हूं, और आपके अच्छे काम हैं, जनता की जो सीधी नब्ज है आपकी टीम उसी पे काम कर रही है। और जहां तक बात रही डगर की, बंसल जी मैं आपको बताना चाहूँगा, आज मोदी जी भी जहां प्रधानमंत्री हैं, वो जो संविधान है और वो जो प्लेटफॉर्म है वो भी कहीं ना कहीं भारत आज़ाद होने के बाद कांग्रेस पार्टी का ही बनाया हुआ है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी का इस देश में कोई योगदान नहीं है, और मैं ये भी नहीं कहता कि मोदी जी ने कोई अच्छा काम नहीं किए, उन्होंने अच्छे काम किए हैं और अच्छे कामों की उनसे उम्मीद थी, तभी जनता ने उन्हें सिर आँखों पर बैठा के इतना ज़बरदस्त मैंडेट देके उनको देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम किया। ऐसा नहीं है कि कोई और ऐसा नहीं कर सकता या कोई और पार्टी ऐसा नहीं कर सकती, उनका जो सपना है बिल्कुल जनता उनको मैंडेट देती है तो वो अपना सपना बिल्कुल साकार करें, और विश्व गुरु बनाने की जो बात कर रहे हैं उनको जनता ने मैंडेट दिया है, अभी भी उनको किसी ने रोका नहीं। आप कितने अनश्योर हैं कि विधानसभा में कांग्रेस पार्टी आ जाएगी, और आप अपने टिकट को लेकर कोई कमिटमेंट करके इसमें इंडक्शन करवा रहे हैं क्या? कोई कमिटमेंट नहीं है, मेरी कमिटमेंट पार्टी से एक ही हुई है, दीपेंद्र जी से एक ही कमिटमेंट हुई है कि हम जो हाँसी को काशी बनाने का टीम का नारा है आप उसको सरकार आते ही सुचारू रूप से लागू कराएंगे। उन्होंने मुझे कहा है बिल्कुल स्पेशल बजट भी लेके आना पड़ा हाँसी के लिए, तो मैं स्पेशल बजट भी दूंगा, और हाँसी को जो काशी बनाने का आपका टीम नरेश का जो सपना है उसको हम जरूर पूरा करेंगे। जहाँ तक कंडीशन की बात है, पार्टी कोई भी हो, किसी भी पार्टी में कोई कंडीशन करने की आपको ज़रूरत नहीं है, चाहे मैं भारतीय जनता पार्टी में चला जाता चाहे मैं कांग्रेस में चला गया हूँ, कंडीशन करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी मेहनत आपको टिकट दिलवाएगी, आपकी मेहनत आपके काम के ऊपर, आपके सर्वे के ऊपर, आपके काम के ऊपर टिकट देनी चाहिए, पार्टी चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो चाहे आम आदमी पार्टी हो। मैं तो एक बात नेताओं को कहता हूँ, पार्टियों को भी कहता हूँ, मैं नसीहत देने वाला इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ, लेकिन मेरी अपनी सोच है कि आप लोगों से सर्वे करवा के टिकट दें, अगर लोग मुझे सर्वे में कहें कि हाँ नरेश पार्टी से कैंडिडेट होना चाहिए तो ही मुझे पार्टी एक्सेप्ट अच्छा, करे। आपसे सीधा क्वेश्चन करता हूँ कि जिसको ना पार्टी की या राजनीति की खाद लग जाती है ना और उसको टिकट नहीं मिलती है तो वो पार्टी छोड़ देते हैं, जैसे कि राहुल मक्कड़ है कि ये डूबते हुए जहाज कह रहा है इसको कि वो छोड़ के चला गया है, बाय द वे आपको टिकट नहीं मिलती है तो क्या इंडिपेंडेंट लड़ेंगे, क्या पार्टी को छोड़ देंगे? और नेताओं की फितरत है, कुर्सी पे बैठते ही फितरत बदल जाती है, क्या आपकी फितरत बदलेगी या पार्टी छोड़ के इंडिपेंडेंट लड़ेंगे? सबसे पहले तो बंसल जी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मुझे तो एक बात जनरल है, आप इस बात को स्वीकार, सुनो मैं ये बात कह रहा हूँ,
सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि राहुल मक्कड़ को पार्टी छोड़ने की मुझे नहीं लग रहा क्यों ज़रूरत पड़ी। 4.5 साल के राज में जब तक दुष्यंत जी सीट पे रहे, अगर वो काम नहीं कर रहे थे तो उनके साथ क्यों रहना था? अगर मोह भंग होना था तो जब होना चाहिए था। मैं तो राहुल मक्कड़ को एक बात कहना चाहता हूँ, मेरा छोटा भाई है और मक्कड़ परिवार से जितने अच्छे ट्रम और जितने अच्छे रिश्ते हमारे परिवार के हैं और रहे हैं, उतना किसी से दुनिया पूरी हंसी जानती है। हम एक परिवार से हैं, क्योंकि मुझे तो ये है कि वो मक्कड़ साहब के काम की बात करते हैं, अमीरचंद मक्कड़ जी के संस्कारों की बात करते हैं। अमीरचंद मक्कड़ तो वो इंसान रहे हैं जिन्होंने राजपाट को नहीं देखा, सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ को देखा कि वो विश्वसनीय और विश्वास पात्र लोगों में उनकी गिनती हुई है राजनीति में। वो चौधरी भजनलाल जी के साथ थे, चौधरी भजनलाल जी के साथ उन्होंने इतना रिश्ता निभाया कि हंसी में नहीं पूरे हरियाणा में जग जाहिर रहा है। मैं ये कहता हूँ, आज इस पार्टी को लोगों ने धुतकार दिया अगर, तो आपने टाइम से पहले क्यों नहीं सोचा? बात रही जहाँ तक कि 4.5 साल में राहुल मक्कड़ आके मीडिया के सामने बताएं कि एक भी काम राहुल मक्कड़ का पर्सनल अगर रुका हो तो दुष्यंत जी भी यहीं हैं और राहुल जी भी यहीं हैं। मेरे संज्ञान में जहाँ तक है 85 से ज़्यादा तबादले पूरे हरियाणा के अंदर राहुल मक्कड़ की कलम से दुष्यंत जी ने किए। अपने उनके जो भी पारिवारिक जहाँ भी उनको प्रतिष्ठान की जरूरत पड़ी, किसी काम की जरूरत पड़ी, आधी रात को दुष्यंत चौटाला ने उनके काम किए। जनता के काम दुष्यंत चौटाला ने किए हों ना किए हों, लेकिन अपने कार्यकर्ताओं के काम दुष्यंत चौटाला ने दबा के किए हैं। ये वो कार्यकर्ता वो नेता हैं जो हवा को भाप के अपने आप के पर्सनल निजी स्वार्थ के लिए पार्टी छोड़ रहे हैं, बाकी ऐसा कोई भी कारण नहीं बनता है। इससे रिलेटेड मेरा क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है, खानदान से जुड़े हैं, खानदान से जुड़े हैं, संस्कार भी आप में मक्कड़ साहब के आए होंगे, राहुल में भी आए होंगे। राहुल मक्कड़ से ज़्यादा संस्कार मेरे अंदर हैं, क्योंकि मक्कड़ साहब की असली सेवा पूरा शहर जानता है, किसी ने की है तो नरेश यादव ने की है और उसका बेटा बन के की है। 21 तारीख को लावा लश्कर के साथ आप जा रहे हैं, किसके नेतृत्व में आप पार्टी ज्वाइन करेंगे? कांग्रेस के बहुत बड़े बड़े नेता वहाँ पहुँच रहे हैं। मेरी नॉलेज में जहाँ तक है चौधरी बीरेंद्र सिंह जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, दीपेंद्र हुड्डा जी और कैप्टन, किसको आइकॉन मानते हैं आप अपना? मैं आज के दिन दीपेंद्र हुड्डा को अपना आइकॉन मानता हूँ, क्योंकि एक दिन मैं दीपेंद्र हुड्डा जी से मिलने गया हूँ। बस इसमें भी तो गुटबाजी है। 30 सेकंड के अंदर मैं आपको बताऊँगा कि दीपेंद्र हुड्डा जी से मैं मिलने गया था, उन्होंने कहा कि मुलाकात करनी है। हम जब मुलाकात करने गए तो मैंने देखा एक कोई बादली हल्के से एक बुजुर्ग आए हुए थे, उन्हें दीपेंद्र जी कहीं निकलना चाह रहे थे, उनका कोई जलसा था। जैसे ही दीपेंद्र जी ने कहा भी मेरे को जल्दी है आप कल आ जाना, तो उन्होंने कहा नहीं जी 20 मिनट देनी पड़ेंगी। बोला जी 20 मिनट में दूंगा तो आगे लेट हो जाऊंगा। मैंने देखा लाइव कि उन्होंने उस बुजुर्ग के पाँव के हाथ लगे कहा चाचा जी आज मुझे माफ़ी दे दो, आज के लिए ऐसा राजनीति में संभव ही नहीं है। आज आपने देखा है छोटे से पद पे 10-20 हज़ार वोट लेने वाला नेता भी इतना सॉफ्ट नहीं हो सकता, क्योंकि सॉफ्टनेस की मुरीद टीम नरेश हुई है और भाई दीपेंद्र हुड्डा को बहुत मजबूत करके और कांग्रेस पार्टी को बहुत मजबूत करके हंसी को काशी बनाने का सपना पूरा कर। चलो एक बात है, बस लास्ट पर्सन यही है कि अगर बाय द वे टिकट नहीं मिलती है तो आप इंडिपेंडेंट लड़ेंगे या सच्चे सिपाही होकर कांग्रेस का काम करेंगे? ये बाय द वे सिर्फ मीडिया की खोज है। मैं बाय द वे में विश्वास ही नहीं करता, मैं संकल्प का आदमी हूँ और संकल्प से कह रहा हूँ 100% आसी के अंदर कांग्रेस पार्टी का विधायक बनेगा, हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और आने वाला भविष्य कांग्रेस का है, हरियाणा का है। कौन बनेगा आसी का विधायक? जिसको पार्टी चाहेगी, पार्टी सर्वे करा लेगी। अगर पार्टी के सर्वे में हमें जनता पसंद करेगी तो हमें टिकट दें, और किसी भी आसी के नेता को अगर कांग्रेस टिकट देगी और सर्वे के हिसाब से देगी तो तन मन से उनका साथ देंगे। छोड़ के तो नहीं भागोगे? बिल्कुल नहीं भागेंगे। ये नरेश जी का वादा है कि ये पार्टी ज्वाइन करते हैं तो औरों की तरह नहीं करेंगे, और जब बाय द वे इनको टिकट नहीं मिली, अगर सर्वे में इनका नाम आ गया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं मिली तो ये पार्टी के सच्चे सिपाही होकर। लेकिन मैं कांग्रेस बात कह रहा हूँ बंसल जी, सर्वे के हिसाब से पार्टी सर्वे कराएगी, सर्वे में हमारा नाम होगा तो ही लड़ेंगे, हमारा नाम नहीं होगा तो टिकट भी मांगने नहीं जाएंगे। टिकट नहीं, लेकिन काम करेंगे पार्टी के 100%। हांसी के लिए काम करना है। देखो मैं पार्टी के, मैंने तो मैंने कल पहले भी कहा है, मैं पार्टी का किसी का विरोधी नहीं हूँ, मुझे पार्टी विरोध में नहीं जाना है, मुझे मेरी हांसी का संकल्प याद रखना है और हांसी को काशी बनाना है। बस एक ही मुद्दा है मेरा राजनीति में, हांसी को काशी बनाने के लिए पार्टी ज्वाइन करना ज़रूरी है। और ये दिल्ली जा रहे हैं 21 तारीख को लावा लश्कर के साथ, देखते हैं कि पार्टी इन पर कितना फेथ करती है और लावा लश्कर
क्या कहता है हांसी का, जो इनके साथ पैराफर्नेलिया बोलते हैं इंग्लिश में, कि एक बड़ा जुलूस के साथ ये वहाँ निकलेंगे दीपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में, ये ज्वाइन करने जा रहे हैं। नरेश यादव जी, देखते रहिए हांसी की आवाज़।